पेपरलेस बजट के बहाने विधानसभा में बटे टेबल। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं विवेक सिंह जादौन आपके साथ। आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट पेश के दौरान पहली बार राजस्थान का बजट पेपरलेस बजट रहा, लेकिन एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिली कि वहाँ हर बार जो बजट की कॉपी दी जाती थी वो एक पेपर होता था, 20 पन्ने, 50 पन्ने, 100 पन्ने, अधिकतम 200 और 500 पन्ने उसमें पढ़ने को मिलते थे। लेकिन इस बार पेपरलेस बजट कोविड के कारण मिला, लेकिन उसका बहाना सिर्फ और सिर्फ टैबलेट बांटना था। 196 सभी विधायकों को टैबलेट वितरित किए गए। राजस्थान विधानसभा का दुर्भाग्य कि वहां 200 विधायक पूरे मौजूद नहीं थे। टैबलेट की व्यवस्था 200 विधायकों की थी, लेकिन अब विधानसभा में मात्र 196 ही टैबलेट वितरित हो पाए, क्योंकि एक अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री का और 195 विधायकों के टैबलेट वहां वितरित किए। जब कई न्यूज चैनलों ने विधायकों से बात की, सामने आया तो उन्होंने ये कहा कि इन टैबलेटों के अंदर पेपरलेस बजट की कॉपी है, यानी अब बजट इस टैबलेट के अंदर है। एक टैबलेट जो नामी कंपनी का टैबलेट था, एप्पल कंपनी का टैबलेट, विधानसभा में वितरित किया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता को कुछ मिला हो नहीं मिला हो, विपक्ष इस बजट को निराशाजनक और पक्ष इस बजट को एक प्रदेश की कामयाबी का बजट बता रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बजट को प्रदेश के लिए खुशहाल बजट बताया है। इतना ही नहीं, उन्नत प्रदेश का बजट बताया है। तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को नकारा है और कहा है कि बजट से आम आदमी को नुकसान हुआ है, गरीब को नुकसान हुआ है, किसान को नुकसान हुआ है, बेरोजगारों को कोई रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। लेकिन ये जरूर है कि 196 विधायकों को लैपटॉप जरूर मिल गए हैं। प्रदेश की जनता को कुछ मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन विधायकों के लिए लैपटॉप जरूर मिल गए हैं। एक एप्पल के लैपटॉप की कीमत 80,000 से 1,00,000 के बीच होती है। ये लैपटॉप नहीं, टैबलेट है, मैं भूल सुधार करूंगा। एक टैबलेट की कीमत जो एप्पल कंपनी का होता है 80,000 से 1,00,000 तक की होती है। इसका मतलब प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए 1,00,000 रुपये मिले हों या नहीं मिले हों, लेकिन प्रदेश की 8 करोड़ जनता के द्वारा विधानसभा में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों को 1,00,000 रुपये का टैबलेट जरूर मिल गया है। क्या ये कोरोना इफेक्ट है या फिर लॉकडाउन का परिणाम है, ये जरूर आप मरुधर बुलेटिन के इस विश्लेषण में देखें। क्योंकि पिछली बार 2020 में 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद कोविड के दौर और कोविड के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते गए। आंकड़े इतने बढ़ गए कि हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन करने जाने लगा। अब 500 पेज का बजट भी डिजिटल बजट हो गया और पहली बार विधानसभा में पेपरलेस बजट पास हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर विधायक के हाथ में 1,00,000 का एक टैबलेट एप्पल कंपनी का मिल गया। प्रदेश की जनता के लिए जो निराशाजनक बजट बता रहे हैं वो अपने मोबाइल में भी उसकी PDF पढ़ सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एप्पल का लैपटॉप क्यों लिया? अगर प्रदेश की जनता के लिए निराशाजनक है तो फिर उनके लिए निराशाजनक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा खर्चा जो मिलता है वो मिल चुका। अभी तक विधायकों की जो वेतन होते थे, भत्ते होते थे, वो समय पर मिलते थे, लेकिन अब उन्हें एक्सपेंस भी मिलने लगा है, यानी एक एक्स्ट्रा चीज़ और अब विधानसभा में मिली है। मैंने विधानसभा में जब ये राजस्थान में बाड़ाबंदी का दौर चला था, उस समय एक PIA लगाई थी, जनहित याचिका लगाई थी, उसमें जो बाड़ाबंदी में बंद विधायक है उनका वेतन और भत्ते रोकने की PIA लगाई थी। मतलब इस दौर के दौरान इनके वेतन और भत्ते रोके जाएं, क्योंकि ये अभी बाड़े में बंद हैं, राजस्थान के विधायक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जनता का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनके विधायकों के वेतन और भत्ते रोके जाएं। लेकिन अब इन्हें लैपटॉप भी देना एक तरह का, कहीं ना कहीं कहूँ मैं कि ये प्रदेश में एक अलग से तोहफा मिला है जो भी केवल विधायकों को मिला है, तो इसमें कोई दोराया नहीं होगा। और भी अधिक तमाम खबरों के लिए देखते रहें मरुधर बुलेटिन।